बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक राशिफल के आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां जिनका आज या तो जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी या फिर कोई विशेष दिन है। कोशिश करें कि आप अपने घर के आसपास या दूर दराज में कहीं पर भी हो, अपने पूरे वजन के बराबर हरा चारा या धान गाय पशु पक्षियों के लिए जरूर डोनेट करना चाहिए। आज 29 नवंबर और गुरुवार है। आज चंद्रमा मघा नक्षत्र के सिंह राशि में पूरे दिन रहेंगे। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शाम को 6:45 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। शुभ दिन के साथ साथ आज ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग आपको लाभ दे रहे हैं, जैसे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और गज केसरी योग, वहीं महालक्ष्मी योग का भी निर्माण होगा। आज का दिन बहुत विशेष और खास है आप सभी के लिए। साथ ही मेष कर्क तुला और मकर राशि वाले लोगों को एज यूजुअल मालव योग का लाभ मिल ही रहा है। अगर आप आज कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य यात्रा खरीदारी को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करना कोई बड़ा डिसीजन लेना है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप दोपहर को 12:15 से 1:15 तक या फिर शाम को 4:15 यानी 4:15 से 5:15 तक कर सकते हैं। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3:00 तक राहुकाल और वहीं सुबह 7:11 से 7:49 तक भद्रा रहेगी। इस टाइम पीरियड में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मैं कल भारत से बाहर अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा पे हूँ। कल मैं न्यूयॉर्क रहूँगा, 1 और 2 दिसंबर को न्यूजर्सी, 3 दिसंबर को मैरीलैंड, 4 दिसंबर को एटलांटा और 5 दिसंबर को ह्यूस्टन टेक्सास रहूँगा। उसके बाद 6, 8 और 9 दिसंबर को मैं लंदन में रहूँगा और 7 दिसंबर को बर्मिंगम रहूँगा। अगर आप इन शहरों में या इसके आसपास रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब मैं आपको आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र बता रहा हूं, हो सके तो इसे अपनाइएगा जरूर। देखिए, सच स्वीकार करने के लिए शक्ति और साहस होना चाहिए। स्वीकार भी करें और सच बोलने के लिए साहस जरूर रखें। अब मैं आपको आज के ग्रहों की स्थिति बता देता हूं। आज कर्क राशि के राहु रहेंगे एज यूजुअल, सिंह राशि के चंद्रमा है, तुला राशि के शुक्र है, बुध गुरु और सूर्य तीनों ही वृश्चिक राशि में रहेंगे, धनु राशि के शनि है, मकर राशि के केतु है और मंगल कुंभ राशि के रहेंगे। इसी से मैंने तैयार किया है आपका आज का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आपको हर हाल में अपना पूरा ध्यान, अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, ट्यूटर सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, आने वाले एग्जाम की क्या प्रिपरेशन है, उस पर ध्यान देना चाहिए। आप खुद ही बच्चे हैं तो आपको अपनी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज नौकरी हो या व्यापार, किसी विशेष मामले में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी और की वजह से विवाद होगा, आप उसमें कूद पड़ेंगे और मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाएंगे। ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। किसी पुरानी बात को लेकर सहकर्मी सबऑर्डिनेट्स के साथ कोई कहा सुनी भी हो सकती है, लेकिन इसे टाला भी जा सकता है। आज आप जितना धीरज धैर्य और संयम रखेंगे, अपने कॉमन सेंस से काम लेंगे, विवेक से काम लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को कुछ मामले में अधिकारियों के लिए विशेष तोहफा हो सकता है, काम ढंग से नहीं करेंगे तो शिकायत भी मिल सकती है। प्रेम प्रसंग के कारण मैरिटल लाइफ में परेशानी आ सकती है, इसलिए अगर आप 2 घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, पत्नी भी है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, पति भी है और कहीं और भी है, तो ये आपको तुरंत बंद करना चाहिए, यह आपके लिए घातक होगा। लव लाइफ में किसी तीसरे के आने से आप अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में से किसी प्रेशर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे और हो भी जाएंगे। शरीर में हल्का सा दर्द परेशान करेगा। लकी कलर आपका गोल्डन है। नंबर 3 शुभ है। शुभ अल्फाबेट COM है। NU से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदयकारक दिशा दक्षिण रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान, अगर आपके माता जी बीमार है या फिर किसी और महिला की वजह से आपके घर में अगर कोई तकलीफ है या कोई तनाव है या फिर वो बीमार है तो उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। आपकी जॉब हो या बिजनेस, उस पर आज ऐसे कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आप भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में लगातार कई तरह की प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन आप इस फिराक में रहते हैं कि अपने आप ही सब कुछ हो जाए। अपने आप कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन बहुत कुछ खुद करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों को किसी की राय मशवरा से बहुत फायदा मिलेगा। जीवन साथी से सलाह लेकर कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं, लेकिन लव लाइफ में आज अनबन हो सकती है। कोशिश करें कि आप खुद ऐसी कोई शुरुआत न करें जो आपके सहकर्मी को पसंद ना हो।
स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत खास है, पढ़ाई के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, आप ढंग से मेहनत करें। आज शरीर पहले से बेटर है लेकिन हल्का सा घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है। लकी कलर क्रीम नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट FLR है। MT से दूरी बना के रखें, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। अगर घर में बहन बेटी किसी महिला से, जो कि हमारी पत्नी हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसकी ब्लेसिंग लेकर स्पेशली छोटी बहन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर आप आगे शुरुआत करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं तिलक लगवा के जाएं। जॉब या बिजनेस में आगे बढ़ने के आज आपको मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन आप अलर्ट रहिएगा, आपकी उम्मीदें आज बहुत रहेगी। सोच समझ कर बोलोगे, सोच समझ के काम करोगे, पूरा अपना ध्यान काम पर लगाओगे, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। आज किसी प्रोडक्शन निर्माण कार्यों से जुड़े हुए लोगों को बहुत सफलता मिल सकती है। जमीन जायदाद या किसी सौदे के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। सरकारी कर्मचारी पुराने उलझनों से निकलने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन कोई और है जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको पहचानना है। मैरिटल लाइफ में आ रही समस्याएं आज आप सुलझा लेंगे, और वही लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उससे बहुत अच्छा आप अपनी कुछ अच्छी चीज़ों से कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने बेहतर भविष्य के लिए जो मेहनत करते आ रहे हैं, उनका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा ठीक है, एल्बो में या किसी नी में परेशानी हो सकती है। लकी कलर ब्राउन नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट EGI है। LS से दूरी बना के रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने धन की तरफ होना चाहिए। जहाँ से धन आने वाला है उस पर प्यार मोहब्बत से धन निकालने की कोशिश करें, या जहां से धन आप कमा सकते हैं उस पर विशेष विचार करना चाहिए। बिजनेस हो या जॉब हो, वर्क प्लेस पर कोई अनजाना अननोन फियर आपको परेशान कर रहा है, और जिस डर को आप जानते ही नहीं है उसके लिए क्यों डरना। निवेश से संबंधित कोई भी कार्य आज नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी कर्मचारी आज अपने आसपास के लोगों पर जरूर नजर दौड़ा के रखें, जरूर से ज्यादा भरोसा ना करें, धोखा मिलने के चांसेस बन रहे हैं। परिवार में आज बुजुर्गों का कोई खास ख्याल आपको रखना चाहिए। उनकी कोई बात अखर भी सकती है लेकिन अखरनी नहीं चाहिए, बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देते हैं, शांति बना के रखें। लव लाइफ के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। स्टूडेंट पर एग्जाम का तनाव रहेगा, लेकिन ढंग से आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी है और आप मेहनती भी हैं, लेकिन उम्मीद ज़्यादा लगाते हैं, वैसी मेहनत शायद नहीं करते, वो करनी चाहिए। मांसपेशियों यानी मसल पेन की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लकी कलर सिल्वर नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट NPR है। KT से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज अपना पूरा ध्यान अपने मन और मस्तिष्क शरीर पर होना चाहिए। अगर कोई विकार है तो उसे ठीक करें। बिजनेस और वर्क प्लेस पर आज आपको थकावट, अनिद्रा और साथ में आलस्य महसूस होगा। इससे हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज मिलते मिलते रह जाए। किसी खास मामले पर ज्यादा भावुक ना हो, इमोशंस से ना तो बिजनेस करें ना ही कोई काम करें। सरकारी कर्मचारियों के मन में वैचारिक उथल पुथल बहुत ज्यादा रहेगी, थोड़ा सा ध्यान दें। घर परिवार में आज आप कभी खुश रहेंगे कभी परेशान रहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि सिर्फ खुश ही रहने की कोशिश करें, जहां परेशानी हो वहां से निकल जाए। अब लव लाइफ में आज आपके लिए कोई अनजाना डर सता रहा है, आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ सकती है या रिश्ता कमजोर हो रहा है, बॉयफ्रेंड छोड़ सकता है, कुछ और हो रहा है, तो पेशेंस रखें, वक्त वापस ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए आज किसी विशेष टॉपिक को लेकर परेशान रहेंगे। अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत बिगड़ सकती है और स्पेशल केयर की जरूरत है। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट MRS है। JP से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों के हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने खर्चे को कैसे आप पूरा करेंगे इस पर विचार करना चाहिए। बिजनेस और वर्क प्लेस पर आज आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, अलर्ट रहें। नई प्लानिंग और नए अवसरों के साथ कोई बड़ा फैसला आज आप कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को दूसरों की कही हुई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके लिए दो कान दिए, एक से सुनो दूसरे से निकाल दीजिए। अपने काम में सबको खुश आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। जितना खुश हो उतना ठीक है, बाकी हु केयर्स, याद रखिएगा हु केयर्स, हर एक की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। जीवन साथी के साथ घूमने की प्लानिंग बन सकती है और वैसे भी आज ट्रैवल का प्लान बन सकता है। लव लाइफ में महंगे गिफ्ट्स का आदान प्रदान से आपको बचना चाहिए, जबकि रिश्तों को मजबूत करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। पुराना कोई भी शरीर का दर्द वापस दस्तक दे रहा है। लकी कलर व्हाइट नंबर 8 शुभ है, शुभ अल्फाबेट JMP है। IO से दूरी बना के रखें, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी।
तुला राशि वाले लोगों के लिए हर हाल में अपना पूरा ध्यान, अपनी बड़ी बहन या घर में किसी माता बहन स्त्री की ब्लेसिंग, उनके हाथ से तिलक लगवा कर दिन की शुरुआत करें। बड़ी बहन को कोई तकलीफ है तो उसे जरूर ठीक करें। बिजनेस और वर्क प्लेस पर आज बातचीत और सौदेबाजी को कुछ समय के लिए टालने की कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए आने वाले समय के लिए बेहतर होगा। नौकरी और बिजनेस में नया पद या नए काम के ऑफर आपको मिलेंगे। आपको अपने कॉन्टैक्ट से बहुत फायदा आज मिल सकता है, जरूर उनको खंगालिए, उनको मैसेजेस करिए, लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को आज कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, और वैसे भी आपको अगर यात्रा करने का तुला राशि वाले लोगों को मौका मिलता है तो आपके लिए भाग्य उदयकारक होगा। फैमिली के साथ आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा बन सकते हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन ठीक ठाक आ जा सकता है। स्टूडेंट को अध्ययन में अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। पेट का हल्का सा दर्द परेशान करेगा, सेहत को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं करें। लकी कलर रेड, नंबर 1 शुभ है। शुभ अल्फाबेट GJK है, वहीं FH से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदयकारक दिशा पूर्व रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हर हाल में अपना पूरा ध्यान, अपने पिता के आदर्शों की पालना करना, पिता के सिद्धांतों पर चलना, पिता की ब्लेसिंग लेकर काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। बिजनेस हो या जॉब हो, वर्क प्लेस पर आज आप अपनी धारणा को सकारात्मक ही रखें। किसी कार्य को कल या परसों पर टालने से बचना चाहिए, उसे आज ही करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के पिछले कई दिनों से अटके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। आज आप जीवन साथी के साथ कई विशेष जगह पर धार्मिक या घूमने फिरने की प्लानिंग जरूर करें, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। किसी को लव प्रपोजल देना है तो आप दे सकते हैं, परिणाम आपके फेवर में ही होंगे। स्टूडेंट को आज अध्ययन में किसी टॉपिक को लेकर थोड़ी सी नाखुशी जरूर होगी, लेकिन आप कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ें, खुशी जल्द मिलेगी। आज आप सेहत को लेकर लकी साबित होंगे। लकी कलर पर्पल, नंबर 7 शुभ है। शुभ अल्फाबेट RTV है, BE से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने हायर एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। आप जिस किसी भी फील्ड में हैं उसमें बेहतर ज्ञान लेने की कोशिश करें। बिजनेस से आज आपको धन लाभ होगा, आमदनी का कोई नया जरिया आज आपको मिल सकता है। वहीं जॉब हो या बिजनेस, उस वर्क प्लेस पर कई दिनों से आ रही रुकावटों का अब आपको समाधान मिलने जा रहा है। आज आपकी कोई स्पेशल मीटिंग हो सकती है जो लाभ देगी। सरकारी कर्मचारियों का कोई उलझा हुआ काम सुलझने की तरफ बढ़ रहा है। घर परिवार का तनाव पहले से कम हो रहा है। लव लाइफ में आज आपको कुछ नई बातें सामने आने को मिल सकती है, जिससे गलतफहमियां दूर होगी। स्टूडेंट के लिए आज का दिन ताजगी भरा रहेगा। सांसों की तकलीफ हल्की सी परेशान कर सकती है। धूल और डस्ट एलर्जी से बचना चाहिए। लकी कलर पिंक, नंबर 2 शुभ है। शुभ अल्फाबेट OPR है, AT से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज अपना पूरा ध्यान अपने भाग्य को चमकाना, आकस्मिक अपने जीवन के आसपास हो रहे परिवर्तन पर पैनी नजर रखकर उस पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस हो या जॉब हो, वर्क प्लेस पर आज जोखिम भरे सौदे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उधार दिया गया धन आज वापस मिल सकता है। सोच समझकर आगे के निवेश की नीति बनानी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को आज धैर्य रखोगे तो काम पूरा हो जाएगा। आपका पार्टनर भावुकता में आपको कुछ भला बुरा कह सकता है, इसलिए उसकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। लव लाइफ में आज किसी बात को लेकर दिल ना तो दुखाना चाहिए और ना ही कोई दुखाने की कोशिश करे तो आपको उसका साथ देना चाहिए। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई बहुत अच्छी होने जा रही है। शरीर को लेकर या हेल्थ को लेकर आज आप बहुत लकी रहेंगे। वहीं लकी कलर आपके लिए ग्रीन है। नंबर 6 शुभ है। शुभ अल्फाबेट LST है। C और J से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने जीवन साथी की तरफ होना चाहिए। बिजनेस हो या जॉब हो, वर्क प्लेस पर आज आप काम की टेंशन बिल्कुल भी न लें। परेशानी कोई बढ़ाने की कोशिश करेगा आप हटाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। नौकरी में वेतन की बढ़ना या फिर अच्छे प्रमोशन की तरफ बढ़ने के आसार बन रहे। किसी सौदे पर आज आपकी बात अटक सकती है, तो जब तक सौदा पूरा ना हो तब तक बोले नहीं। वहीं सरकारी कर्मचारियों को आज शांति बनाकर रखना चाहिए, काम पूरा होगा। परिवार में आज आपको किसी और की बात को लेकर कहा सुनी एक झगड़ा फसाद भी हो सकता है, उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लव लाइफ में आज हल्की सी खटास हो सकती है, तो बेटर है कि मीटिंग ही ना की जाए। स्टूडेंट के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहेगा। सेहत संबंधित परेशानियों के लिए आप सावधान रहें। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 1 शुभ है। शुभ अल्फाबेट ILN है। DP से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी की तरफ होना चाहिए। हर हाल में खुशी प्राप्त करने की कोशिश करें। बिजनेस और वर्क प्लेस पर आज कुछ बदलाव की शुरुआत हो रही है, जो आपके लिए लकी रहेगा।
आज बाजार में अटका वो पैसा वापस मिल सकता है। सभी से आपको व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, सभी आपसे व्यवहार अच्छा रखेंगे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का अच्छा व्यवहार न केवल आपको परेशान करेगा, सफल बनाएगा और आपके भविष्य के लिए नींव भी रखेगा, मतलब दोनों ही चीज़ होगी, अच्छी और बुरी भी, बल्कि आपसे मिलने के लिए लोग बहुत खुश होंगे और मिलने के बाद बहुत खुश होंगे। जीवन साथी के लिए समय निकालने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आज आपको किसी और के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, आपको सोचना है कि आकर्षण सही है या गलत है। स्टूडेंट एग्जाम से पहले की सिलेबस पूरा करके बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत संतुष्टि मिल रही है। सेहत सामान्य है, लकी कलर पर्पल, नंबर 9 शुभ है, शुभ अल्फाबेट JLM है, वहीं NV से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। राशिफल के बाद अब मैं आपको वो खास उपाय बता रहा हूं जो निश्चित रूप से गुरुवार को हमारे लिए भाग्य उदय कारक वार बना सकता है। आप आज सुबह ही सूर्य उदय के आसपास ही उठ जाएं, स्नान के बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी की प्रतिमा मूर्ति चित्र कुछ भी नहीं है तो आप उनका ध्यान रखें जलाएं। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे आप YouTube वगैरह पे बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है वो चला सकते हैं, और उनका नाम लेकर आज दिन की शुरुआत करोगे तो लक्ष्मी भी आएगी, बरकत भी होगी और सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। ग्रहों का खेल .co.in मेरी वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। ग्रहों का खेल नामक मासिक पत्रिका का सदस्य बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे नवंबर और दिसंबर का स्केड्यूल मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग जो जिंदगी में अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनका समाधान कहीं ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो सही है। क्यों? क्योंकि भाग्य को हम बदल नहीं सकते, लेकिन सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं अपने सही कर्म के द्वारा। लेकिन सही कर्म का चयन आप करेंगे या फिर हम आपके ग्रहों के आधार पर आपको चयन करने के लिए सुझाव देंगे। जैसे बाहर बरसात हो रही है, हम छाता खोलते हैं, बरसात बंद नहीं होती है, लेकिन हम नहीं भीगते हैं। निश्चित रूप से हमने एक संकट को टाला है अपनी सूझबूझ और समझदारी से। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके शहर, आपके देश, आपसे मिलने के लिए। नवंबर और दिसंबर माह में मैं इंडिया और अब्रॉड में कुछ डेट्स और कुछ शहरों के नाम ले रखा हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इन शहर देश में या इसके आसपास रहते हैं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। 30 तारीख से मैं अपने विदेशी दौरे पर चला जाऊंगा। 30 तारीख को यानी 30 नवंबर को मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा। 1 और 2 दिसंबर को न्यूजर्सी में, 3 दिसंबर मैरीलैंड, 4 दिसंबर एटलांटा जॉर्जिया, 5 और 6 दिसंबर ह्यूस्टन टेक्सास। इस पे संपर्क करने के लिए मैं आपको एक अमेरिका के नंबर दे रहा हूं 347-633-7511। उसके बाद मेरी यूके की यात्रा रहेगी 6, 8 और 9 मैं लंदन में रहूंगा, 7 दिसंबर बर्मिंगम में रहूंगा। यहां पर संपर्क करने के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं 0786509-4276। उसके बाद मैं हिंदुस्तान के 5 दिवसीय दौरे पर रहूंगा, 14 दिसंबर सूरत, 15 दिसंबर बड़ौदा, 16 दिसंबर अहमदाबाद, 17 दिसंबर मुंबई और 18 दिसंबर पुणे रहूंगा। उसके बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा रहेगा, जिसमें 22, 23 और 24 दिसंबर मैं मेलबर्न में रहूंगा, 25, 26 और 27 दिसंबर को मैं ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में रहूंगा, 28 और 29 दिसंबर को मैं केन्स में रहूंगा, 30 और 31 दिसंबर मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। यहां पर संपर्क करने के लिए आप 9829026625 इंडिया के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मेरा न्यूजीलैंड दौरा रहेगा, 2, 3, 4 और 5 जनवरी को मैं क्वींस टाउन में रहूंगा, 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 दिवसीय मैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहूंगा। जहां पर आप मिलने के लिए इंडिया के ही नंबर 9829026625 पर फोन करके अपना अपॉइंटमेंट दर्ज करवा सकते हैं। मैं इस पर विश्वास रखता हूं कि आपकी और मेरी एक मुलाकात निश्चित रूप से आपकी जिंदगी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हम एक समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए समाधान जरूर खोजेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। लोग कहते हैं
कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं, भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं। टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर, जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस, सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in। आप हमें वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।